हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका विषय पर अपना अध्ययन करेंगे। यह जो विषय है, यह बीए भाग द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र से भी संबंधित है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का जो आपकी एक जो टॉपिक है उसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन है वो भारत के लिए ही नहीं अपितु विश्व के पटल पर अंकित एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महापुरुषों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सर्वथा भिन्न प्रकार की पद्धति को अपनाया। संसार के किसी भी देश में इससे पहले अहिंसा की धारणा को बल नहीं मिला था। भारत का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ उसमें जो हमारे नेता थे, महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह जी थे, इसके अतिरिक्त इस स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वह भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। वेदों एवं स्मृतियों के समय से ही भारत में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनु ने कहना था, जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है वहाँ ईश्वर निवास करता है। मैत्री, गार्गी, सती अनुसया को कौन नहीं जानता। तो इस तरह से भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है। 1857 से 30 साल पहले ही महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया था। भीमा भाई होलकर बहादुरी से ब्रिटिश कर्नल मालकोम के साथ लड़ी और उन्होंने उसे गुरिल्ला युद्ध में हरा दिया। इसी प्रकार कितूर की रानी चनम्मा, अवध की बेगम हजरत महल ने भी अपने देश के लिए ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर अंग्रेजी फौजियों से जी जान से लड़ी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेताओं ने भी की। रामगढ़ की रानी जिद्दन रानी, रानी जिद्दन कौर, रानी तेजबाई चौहान रानी आदि ने बहादुरी से अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया और इनमें सर्व प्रमुख जो रही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने वीरता एवं बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में लिखा भी था कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, महिला होते हुए भी वह पुरुष के पौरुष से रंगी हुई थी, सिंहनी के समान उनकी दहाड़ थी, दुर्गा की शक्ति वाहिनी तलवार उसके हाथों में थी, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के मंसूमों को चकनाचूर करते हुए अपनी मातृभूमि के बलिवेदी पर अपना बलिदान कर दिया। विद्यार्थियों, सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद महिलाओं में राष्ट्रीय जागृति का प्रसार तेजी से होने लगा, लेकिन प्रारंभ में अग्रिम पंक्ति में गिनी चुनी महिलाएं ही दृष्टिगत हुई। इनमें स्वर्ण कुमारी का नाम उल्लेखनीय है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। राजनीति में उनकी गहरी रुचि थी। सन 1900 में कलकत्ता में आयोजित होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में वे शामिल हुई थी। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन में तेजी आई तो इसमें भी महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई थी। 1905 से पूर्व तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं मुख्यतः कुलीन वर्ग के परिवार तक ही सीमित थी। अब ये धारा बढ़कर जन साधारण तक फैल गया। बंग भंग विरोधी इस आंदोलन में अनेक महिलाओं ने आभूषण न धारण करने की शपथ ली और अपने परिजनों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन में भाग लेने वाली विशेष उल्लेखनीय महिलाएं थीं सरोजनी बोस, कुमुदनी मित्तर, सुशीला देवी, हरदेवी, पूरन देवी, हुक्मी देवी, वेद कुमारी, सरला देवी चौधरानी आदि। मैडम भिकाजी कामा ने भी इंग्लैंड व फ्रांस आदि विदेशों में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को गति प्रदान की थी।
प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। गांधी जी की पुकार पर सहस्त्रों स्त्रियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने जुलूसों का नेतृत्व किया, विदेशी दुकानों पर धरने दिए और गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया। एक अंग्रेज इतिहासकार ओम मेले के अनुसार गांधी जी द्वारा प्रदत्त सत्याग्रह ने स्त्रियों को एक नया हथियार प्रदान किया। एक ओर उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया तो दूसरी ओर मताधिकार की मांग की। प्रथम महायुद्ध के बाद भारत में पुनः क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय हो उठा और इस आंदोलन में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। बंगाल में प्रीतिलता, कल्पना दत्त वे वीणा दास को क्रांतिकारी महिलाओं में अग्रणी माना जा सकता है। दुर्गा भाभी ने चंद्रशेखर आजाद व अन्य क्रांतिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लाडो रानी जुशी, अरुणा आसफ अली आदि नाम उल्लेखनीय है। इस आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने पुलिस की लाठियों का सामना किया और जेल में यातनाएं सही, किंतु वे पीछे नहीं हटी। मीरा बहन और कमला बहन, जिन्हें महात्मा गांधी की अंग्रेज बेटियों के रूप में जाना जाता है, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीरा बहन, जिनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेन था, ने महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने प्रेस के माध्यम से पूरे विश्व को महात्मा गांधी के अभियान के बारे में अवगत कराया। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें प्रताड़ित किए जाने के बावजूद उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। कैथरीन मैनी, जिन्हें सरला बहन के रूप में जाना जाता है, उन्होंने राजनीतिक कैदियों की मदद के लिए गांव-गांव जाकर अभियान चलाया, जिससे गांवों की निरक्षर महिला भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ती गई। अपने दादा मोतीलाल नेहरू एवं पिता जवाहरलाल नेहरू के संस्कारों का प्रभाव इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से वे 30 वर्षीय गृहस्थ युवती थी, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर उन्होंने जो कुछ किया वह भारत के इतिहास पर उसकी अमिट छाप है। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इलाहाबाद के बच्चों को एकत्रित करके वानर सेना आयोजित की। बच्चे आज़ादी के आंदोलनों के दिनों में कांग्रेस को विभिन्न प्रकार के कामों में सहायता पहुंचाते थे, यथा डाक पहुंचाना, दफ्तर के छोटे मोटे काम करना, खाना बनाना, प्राथमिक चिकित्सा, सीना पिरोना आदि। इसी अवस्था में उन्होंने महात्मा गांधी के चरखा संघ का बाल विभाग संगठित किया। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में असंख्य ज्ञात अज्ञात महिलाओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया। गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा था, सत्याग्रह आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने जो भूमिका निभाई है उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गांधी जी और अन्य नेताओं की प्रेरणा से मातृभूमि में प्रेम के कारण महिलाओं ने दृढ़ विश्वास के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई और भारत का नारीत्व और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए।